What's up, guys? Welcome back to the channel. Another beautiful day here in Daytona. I know, काफी महीनों से कोई वीडियो नहीं डाला है मैंने. Like last video May end something like that था. तब से लेके अब तक काफी time गुजर चुका है and काफी honestly काफी classes थे, काफी like coding का काम था and generally speaking कुछ चीज़ों में मेरा ये like time energy सब चला गया था जो मैं आने वाली videos में बताऊँगा. अगर वो like जो होना था वो हो गया तो yes काफ़ी सारी चीज़ों में like मैं involved था. But apart from that, so August 13 से August 23 तक जो fall semester चालू होने वाला उसके पहले का एक छोटा सा break था और इस break में like कुछ चलता नहीं है, लाइक मील प्लान्स वगैरह नहीं चलते. सो मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम है टू टेस्ट आउट समथिंग कॉल्ड मील प्रेप किट्स या मील प्लेट्स जिसे बोलते हैं. सो बेसिकली ये यहाँ पे बहुत पॉपुलर है हर स्टूडेंट के लिए जो लाइक खुद कुक करना चाहता है एंड लाइक बाहर से नहीं खाना चाहता वो ये यूज़ करता है. सो बेसिकली मील के किट्स होते हैं जिनमें लाइक ऑलरेडी पोर्शनड या प्री कुक्ड स्टफ होता है, तो मैं उसे बस इंस्टेंटली तुम उसे कुक करके या बना सकते हो एंड ऑल दैट. बट वो सब करने के लिए ऑनेस्टली मैं जब से आया हूँ मेरे पास सिर्फ प्लेट एंड लाइक बोल्स यही सब रहे हैं, तो मुझे अच्छे से थोड़ा पैन या यूटेंसिल जो मैगी बनाने या वैसे सारी चीज़ों के जो बर्तन होते हैं वो सब लेके आना पड़ेगा. तो जो मैंने मील किट्स मंगाए थे ऑनलाइन वो आ चुके हैं एंड बचे हुए चीज़ें भी जाके किसी स्टोर से लेके आते हैं. काफ़ी जिनको फूड पसंद है और जो लाइक देखना चाहते थे फूड कैसा आएगा उनके लिए ही अच्छा वीडियो होने वाला है. सो या सो मैं एक सर्विस जिसको होम शेफ बोलते हैं उसके वजह से मैंने लिया है. सो ऑनेस्टली फॉर एवरी स्टूडेंट जो लाइक घर पे लाइक जो कुक करना चाहता है या जिसे कुकिंग करनी है बट नहीं आती है और ईजी प्रेपिंग चाहिए फूड के साथ, दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड सोल्यूशन. ये भी मैंने नोटिस किया कि हर चीज़ को आइस के बैग से कवर किया है. सो या काफ़ी टाइम अच्छे ज़्यादा टाइम तक लाइक वो बॉक्स में रह सकती है चीज़ें. छोटे मोटे बेस्ड ऑन रेसिपी टू रेसिपी इंग्रेडिएंट्स लाइक इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कैप्सिकम है, थोड़ा चीज़ है, क्यूक्यूम्बर है, थिंग्स लाइक दैट. और रेसिपी टू रेसिपी हर वीक चीज़ें चेंज होती हैं. तो लाइक इसमें कॉर्न है, इसमें कुछ और है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. क्लियरली दिख रहा है इसमें चिकन है. तो अगर ये सब देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. टेंशन मतलब आग नहीं लगेगी. इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और चिकन के बैग में से एक पीस चिकन की. ओके सो एक पोर्शन चिकन क्या है ये चिकन ब्रेस्ट का एक पोर्शन. सो स्टेप नंबर वन जो चिकन के पीसेस मिले हैं इसको सॉल्ट के साथ अनियन सॉल्ट के साथ मैरिनेट करना है. तो इसके फ्रंट और बैक साइड पे थोड़ा सॉल्ट लगा के इसे एक प्लेट पे छोड़ देना है.
स्टेप नंबर टू, वेजीज को अच्छे से चॉप करना है. सो कौन कौन से वेजीज कितने कितने चॉप करने हैं वो लिखते हैं. ओके सो अगर ढंग से देखा पाओ तो मैंने स्प्रिंग ऑनियन चॉप कर दिया. इस साइड उसका व्हाइट पार्ट है और इस साइड उसका ग्रीन वाला पार्ट है. बट अच्छा लाइक टेक्सचर और यू नो लाइक राइस वाला फील आ रहा है. जो पुलाव वाला फील होता है ना वो तो मिल रहा है. और इसे अभी थोड़ा सा और होने के बाद गैस थोड़ा स्लो कर देता हूँ. और अभी इसमें बटर ऐड करना है थोड़ा सा. तो काफ़ी अच्छे से लाइक हर पैकेज को लेबल और लाइक कितना यूज़ करना है वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए. तो हाँ ऐसा फीलिंग तो आ रहा है कि कोई भी एमेच्योर भी बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकता है. और फिर जो चिकन के टुकड़े उन्हें भी पैन पे डाल देते हैं. ओके सो फर्स्ट अपीयरेंस में लाइक इतना मैं पहले भी बोल चुका हूँ नॉट बैड लुकिंग एट ऑल. सो अगर नीचे ढंग से निकल जाए सो पहले चिकन को टेस्ट करने वाला हूँ मैं. और मैंने कुक करने के टाइम पे खोल के तो देखा था और अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हुआ था. लाइक कुछ भी रॉ नहीं था. सो यस अंदर से भी बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हुआ है. जो कुक चिकन का टेक्सचर होता है बिल्कुल वही है. नॉट बैड. लाइक डेफिनेटली कोई भी लाइक कबाब या यू नो चिकन टिक्का जैसा टेस्ट नहीं आ रहा. बिल्कुल बिकॉज मैरिनेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर कुछ मैरिनेशन किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक फिर भी चिकन चिकन जैसा टेस्ट कर रहा है. और बॉइल्ड चिकन का जो टेस्ट होता है बिल्कुल वही टेस्ट है. ज़्यादा स्पाइसी नहीं और ना ही एकदम ब्लैक. सो जालापेनो मिर्ची और अनियन इन दोनों को अच्छे से डाइस करना है. सो मैंने कल एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा ऑन हाउ टू छिलो अनियन. यार दिस इज बेटर. सब येलो येलो दिख रहा है बट ठीक है. सो अच्छे से अनियन डाइस करके निकल चुका है. यू नो फॉर समवन जो लाइक पहली बार लाइक नॉट पहली बार बट लाइक एक्चुअली इज्जत से पहली बार अनियन काट रहा है नॉट बैड. सो नेक्स्ट प्रोसीजर. सो नेक्स्ट इस मिर्ची को ट्रिम करना है. सो सेम इसके अंदर एक बड़ा स्टेम है वो स्टेम निकालना है और सिर्फ बाहर के कवर को ट्रिम.
सो लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी कि मैंने ऑयल को लाइक अच्छे से हीट नहीं होने दिया था. रुकी मिस्टेक. मुझे पता है जितने भी लाइक आंटी मम्मी और लाइक यू नो ओल्ड लोग देखने वाले हैं वो बोलेंगे क्या बच्चों वाली गलती कर रहे हैं. बट हाँ, बट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये सब. नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया आऊँगा अच्छे से कुकिंग सीख के वापस जाऊँगा. जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आने की कोशिश कर रहा है कुकिंग सीख के आना. फर्स्ट ईयर नहीं बट सेकेंड ईयर भी नहीं, लेकिन थर्ड या फोर्थ ईयर में काफ़ी काम आ सकता है. कूल. सो सारे ओनियंस नहीं डालूंगा, थोड़े से ही डालूंगा. नेक्स्ट स्टेप कॉर्न्स ऐड करने हैं. तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि हर चीज़ को लाइक बहुत अच्छे से पैकेज में डाल के दिया. इवन जो प्योरीज है या लिक्विड चीज़ है उनको भी काफ़ी अच्छे से पैक किया. अब तक मेरा रिकॉर्ड इनके साथ काफ़ी अच्छा गया. पहले तो सिर्फ $6 पर मील है जो कंपेरेटिवली काफ़ी चीप है, और 20-25 मिनट का कुक टाइम है, और मैं 25-30 मिनट्स के आसपास तक बना भी देता. सो मैंने चारों टॉटिया रैप जो भी बोलना है उनको ऐसे स्प्रेड कर दिया. अभी इस पर ये बचे हुए सॉस को स्मियर करना है और चीज़ डाल के वापस ओवन में डालता हूँ ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए. इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. सो सब ख़त्म करने के बाद प्लेट मेरा कुछ इस प्रकार दिख रहा है. ऊपर से मैंने चीज़ और सीजनिंग टैको का स्प्रिंकल किया, और दिखने में नॉट सो शैबी वंस अगेन. जिस जो मेरे कुकिंग स्किल्स है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं. अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है. सो तीन या चार और बना सकते हैं उसके इन्ग्रीडियंट्स. ओके सो फर्स्ट बाइट. गुड बोल सकते हैं. सो लाइक जो डोमिनोज का टैकोज होता है इंडिया में बिल्कुल वैसा टेस्ट में है, और कंसिस्ट और लाइक कंपाउंड भी काफ़ी सेम है. बाहर रैप है लाइक ब्रेड का और अंदर स्टफिंग है. सो यस, ये डेफिनेटली लास्ट वाले से बेटर था. और ऐसे लाइक अगर होम शेफ से कोई सुन रहा है तो ऐसे रेसिपीज ज़्यादा ऐड करो. सो अनदर डे अनदर मील, और इस बार मेरे पास कुछ इंडियन स्टफ है. सो MTR कंपनी की तरफ से है ये, एंड काफ़ी मतलब हाई होप्स है इसके साथ, क्योंकि लाइक बहुत कुछ लिखा है पैकेजिंग पे. तो मेरे पास दो चीज़ है, एक है कड़ी पकौड़ा और एक है भिंडी मसाला, जो लाइक इंडिया में रोज़ खाने मिलते थे चीज़ें, वो यहाँ पे लाइक ट्रू डेलिकेसीज है. सो इसके साथ मैं राइस है थोड़ा सा, एंड जो मेक्सिकन रैप्स है टॉर्टियाज उसको कुक कर सकते हैं. सो ये क्लोजेस्ट थिंग है जो चपाती के नज़दीक आ सकती है, चपाती रोटी के इंडिया US में. मतलब अगर मैदा फ्लावर हो तो रोटी वगैरह कुक भी कर सकते हैं, बट अदर देन दैट दिस इज़ द क्लोजेस्ट. और न्यूट्रिशन फैक्ट्स अगर किसी को पढ़ने हैं तो पीछे पॉज करके पढ़ लेना. और द बेस्ट पार्ट अबाउट ये तीनों चीज़ों के, इनफैक्ट चारों चीज़ों के, इवन दिस थिंग, किसी को भी कुक करने के लिए यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ निकालो और पैकेज के साथ ही ओवन में डालो और बाहर आएगा. मतलब इंस्टेंट फूड है सब. सो दिस इज लाइक अ गुड टेक्निक.
सो लेट्स पुट दिस टू टेस्ट. सो मील कुछ इस तरह दिख रहा है फिलहाल. सो सबसे पहले मैं रोटी का और भिंडी का एक बाइट लेने वाला हूँ. सो लेट्स सी. कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड डेफिनेटली लाइक अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा है ट्राई करो. क्लियरली जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है उससे बेटर टेस्ट कर रहा है. होम कुक का टेस्ट तो नहीं है बट जेन्युइनली किसी रेस्टोरेंट में या इंडियन होटल में बॉम्बे के किसी भी होटल में जाके खाएंगे वैसा टेस्ट है. सो नेक्स्ट मैं कड़ी और जो करी है पकौड़े की उसका एक बाइट लेने वाला हूँ विद दिस. सो एक्चुअली दिखने में ऐसा लग नहीं रहा बट एक्चुअली काफ़ी सारे इसमें पकौड़े के वो बॉल्स है. सो फर्स्ट बाइट अच्छे से कुक हुआ है. मतलब पकौड़े को जब मैंने तोड़ा तो इजीली अच्छे से ब्रिटल था. वो टेस्ट में भी वो टैंगी खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है बिल्कुल रहता है. Another day, another meal. Although now that मैं अपने आप को कैमरा में देख रहा हूँ मैंने सेम टी शर्ट पहना है बट नहीं जेन्युइनली नया डे है ये. और सो आज के मील में कुछ अलग चीज़ें कुछ बेटर है थोड़ा. सो फर्स्टली जो राइस लास्ट मील में देखा था वो है ही. तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट वो है. और सेकेंड चीज़ जो है वो है एक चीज़ जो मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया वो है राजमा. मतलब जो घर पे इजीली बन जाता है बट या सो राजमा मसाले का वापस पैकेट MTR का. अब तक MTR नॉट बैड एक्चुअली नॉट बैड से भी वेरी गुड एक्चुअली गुड परफॉर्मेंस. द कड़ी पकौड़ा वेरी गुड. दैट भिंडी में थोड़ा ऑयल कम करो बट स्टिल वेरी गुड. और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है ये MTR की नहीं ये गिट्स की है बट ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है. मतलब अजीब मतलब मेरे को पता नहीं इसको पैक कैसे कर सकते हैं इसीलिए अजीब इतने छोटे से पैकेट में. सो ये है पाव भाजी. सो हर मुंबईकर जानता है कि पाव भाजी कितना इम्पोर्टेंस रखती है. सो दो टॉर्टिया के पीसेस है ऑन दिस साइड एंड नीचे हाफ राजमा हाफ राइस. ऊपर से मैंने अनियन स्प्रिंकल किए और यहाँ पे पाव भाजी है एंड देन वी हैव सम ब्रेड ओवर हियर. सो फटाफट से अभी टेस्ट करके बताता हूँ. आई नो सब टेस्ट पे आना चाहते हैं. सो राजमा के बीन्स बिल्कुल खिले खिले और कुछ ज़्यादा बीन्स मतलब मुझे लगा था कम बीन होगा लिक्विड ज़्यादा होगा बट ऐसा नहीं है. काफ़ी सेमी सॉलिड है ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड. गुड. कड़ी पकोड़े के बराबर है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब अब तक मैं कड़ी पकोड़ा और ये राजमा को क्योंकि ये MTR प्रोडक्ट्स है कड़ी पकोड़ा और राजमा सेम था और भिंडी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है बट दिस थिंग ये मतलब खाने से पता चल रहा है थोड़ा कि US अमेरिकन पैलेट के लिए बना है. ज़्यादा स्पाइसी नहीं है मसालेदार नहीं है टेक्सचर राजमा जैसा है और यू नो ये इसका 4 to 5 times प्राइस होता
अगर मैं होटल में खाने जा रहा था ओवर ईयर लाइक ऐसे पैकेट में इट वॉज $3.5 to $4 वेल वर्थ $3.5 to $4 सो राइस के साथ भी एक बार टेस्ट करके देखता हूँ जिस बाइट में मेरे को एक्चुअली वो राजमा मिला और बहुत सारे लाइक राजमा एक्स्ट्रा वेरी वेल सो अभी मैं सेम पहले टॉटिया के साथ थोड़ा पाव भाजी टेस्ट करने वाला और फिर किसी और सो पाव भाजी यू कैन सी अच्छा मैश्ड है लाइक जैसा होना चाहिए वैसा दिखता रहा है अच्छा ऐसा ही है थोड़ा कम तीखा है वो तो हर चीज थोड़ी कम तीखी है बट या पाव भाजी भी वो भिंडी की जैसा ही है सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप वीडियो अच्छा लगा हो और जैसा तुम लोग पीछे देख सकते हो मैं वापस अपने पुराने वाले रूम में आ चुका हूँ यू नो जिसमें वो सारे अपार्टमेंट्स और अप्लायंसेस एंड ऑल वो सब था तो यस काफ़ी एज यू कैन सी एज अ स्टूडेंट काफ़ी मूव करना पड़ रहा है बट ये मेरे अकेले की बात नहीं है लाइक पूरा कैंपस हर स्टूडेंट अपना रूम शिफ्ट कर रहा है किसी को अपने दोस्त के साथ रहना है किसी को लाइक अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है तो हाँ सो कब मूव करना पड़ सकता है बट दैट्स ओके सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने वीडियो में दिखाए उनके लिंक्स नीचे डाल दूंगा मैं होम शेफ की वेबसाइट का भी लिंक नीचे डाल दूंगा सो अगर किसी को चेकआउट करना है प्लीज़ और कैसा लगा बताना फिर बाद में एंड आगे आने वाले कॉन्टेंट के लिए थोड़ा एक्साइटेड रहना ट्यून्ड रहना इस चैनल पर आई नो मैं फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर रहा हूँ बट कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाई काम कुछ ना कुछ आ ही जाता है बट स्टिल आगे आने वाले वीडियोस थोड़े एक्साइटिंग और अच्छे होने वाले हैं सो अंटिल देन आई होप यू गाइज आर ऑल ओके और बाय बाय आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन